प्रताप खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 4। न्यूज इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सरोंज शासकीय अस्पतालों में काम करने वाली ANM नर्सों द्वारा एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी सरोंज को दिया गया, जिसमें नर्सों द्वारा कोरोना काल के द्वारा छुट्टी ना मिलने का विरोध किया गया। नर्सों ने बताया कि हमारे लिए हफ्ते में एक भी छुट्टी प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है, ना ही हमारा कोई समय में निर्धारित है। ऐसी स्थिति में हम ड्यूटी कैसे करें? सरोंज ब्लॉक में पदस्थ समस्त नर्सों द्वारा प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि हमें रविवार का अवकाश दिया जाए, काम का समय निश्चित किया जाए, वैक्सीन ख़त्म होने पर ही घर आना है, ऐसा दबाव ना बनाया जाए, अजनबी गाँव में हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए, मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। शासकीय अवकाश पर रविवार अवकाश की बात कर दी जाए, जो कि हमारा अधिकार है, जिससे कि हम अपने शासकीय कार्य के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों को भी निभा सकें। आज हम लोग ये ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि हम लोग जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, कि हम लंबे समय से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, इसमें हमें ना तो कोई छुट्टी मिल रही है, ना कोई हमें रेस्ट मिल रहा है, तो हम इसीलिए ज्ञापन देने आए कि हम लोगों का कोई समय सीमा तो निर्धारित कर दें कि इतने बजे तक आपको काम करना है, इस दिन आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा कोई इसमें रूल ही नहीं है। लगभग कितने टाइम से कर रही हैं आप? हम लोग जनवरी 16 से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, और समय समय पे, हाँ 16 जनवरी से ही तो स्टार्ट हुआ ना, 16 जनवरी 2021 से हम लोग वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, और जब भी वैक्सीनेशन होता है एनएम की ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें टाइमिंग का ये रहता है, शाम को आदेश डाल दिया कि सुबह 7 बजे हाजिर हो जाओ, ठीक है 7 बजे हाजिर भी होगा, इसके बावजूद भी बीच बीच में मैसेज डाला जाता है कि वैक्सीन ख़त्म नहीं होती है, तब तक बैठे रहो, तब तक लगाते रहो। अरे भाई कोई टाइम सीमा तो दो हमको, या व्यक्ति को भेजो कि टाइम से आ जाए और हम लगा दें। अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।